हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल ज्ञानकोश में। इस चैनल में आपको टेक से रिलेटेड और इंटरनेट ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो समय वेस्ट ना करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूट्यूब के जो मोनेटाइजेशन के न्यू रूल्स आए हैं उसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि रूल क्या है। 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, वो भी आपको एक बताया गया होगा कि एक साल के अंदर इतने होने चाहिए विद इन 365 डेज, तो उसके बाद ही आप मोनेटाइज कर पाएंगे। अगर आप इस बीच में 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा इनेबल, और हो सकता है आपको फिर से दोबारा चैनल बनाना पड़े या फिर से शुरुआत करना पड़े, तो इस सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके कि ये क्या है, अगर 365 दिन के अंदर हमारा 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर अगर पूरे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा मोनेटाइजेशन कैसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है लोगों में, ऐसा नहीं। यूट्यूब ने ये नहीं बोला है कि 365 डेज के अंदर ही, यानी अभी से लेके एक साल के अंदर, यदि आप आज चैनल बनाते हैं तो आज से एक साल के अंदर ही आपको आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में डिटेल में क्या जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको क्लियर करूंगा कि रूल क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है YouTube मोनेटाइजेशन के बारे में। तो इसका एक नया अपडेट आया है कि YouTube के लिए मोनेटाइजेशन के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 का वॉच टाइम है, 4000 आवर्स का वॉच टाइम है। तो ये बिल्कुल रूल सही है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है लोगों में। कुछ लोगों ने इसको समझा कि एक साल के अंदर ये होना चाहिए, अगर एक साल के अंदर हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं पूरा हम कर पाते हैं तो हमारा चैनल इनेबल नहीं हो पाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें लिखा हुआ, उसमें कहा गया है कि ये लास्ट लास्ट 365 डेज के अंदर होना चाहिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 365 डेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप चाहे ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, आपको जरूरी नहीं कि एक साल में ही पूरा करना है, आप इसको 2 साल में पूरा करें, 3 साल में पूरा करें, 5 साल या 10 साल में पूरा करें, लेकिन उनका वो कैलकुलेट लास्ट 365 डेज का ही करेंगे। सपोज दैट आज है, मान लीजिए आज आपने कोई चैनल बनाया और आज से आप एक साल तक आप काम करते रहे अपने चैनल पे, लेकिन एक साल के अंदर आपके सिर्फ 400 आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके कुछ सपोज दैट 500 घंटे आपके वॉच टाइम आए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि एक साल होने वाला है मेरा, अगले साल इसी डेट को आप सोचेंगे कि एक साल मेरा खत्म हो रहा है और मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया 1000 सब्सक्राइबर और हमारा 4000 घंटे का वॉच टाइम भी नहीं हो पाया है पूरा, तो मैं अब इसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा कभी, हो सकता है मेरा चैनल बंद करना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप काम करते रहेंगे, आप फिर एक साल और काम करेंगे, उस साल अगर नेक्स्ट ईयर आपका फिर 500 सब्सक्राइबर और बढ़ जाते हैं तो 1000 हो जाता है, अगर वॉच टाइम आपका अभी भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर में आप काम करते रहिए। जब भी आपको, जब भी आप अपना काम करते रहेंगे यूट्यूब पे, लेकिन जब भी आपको लगे कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो गया है, तो वो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि विद इन, यानी कि लास्ट 365 डेज, जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिस दिन आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाएगा, वो पिछले 365 दिन के अंदर का ही कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि पिछले आप 5 साल से काम करते आ रहे हैं और 5 साल को सबको ऐड करके हम ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे उससे 365 दिन के अंदर के ही वो होने चाहिए। इस यूट्यूब का कहना यह है कि लास्ट 365 डेज के अंदर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, लास्ट यानी कि पिछले 365 दिन के अंदर, वो चाहे आपका एक साल में पूरा हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो या 10 साल में हो,
कभी भी आप पूरा करिए, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरा करना होगा मिनिमम, और 4000 घंटे वॉच टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा अप्लाई करने के लास्ट 365 डेज के अंदर। यानी कि जब भी रिव्यू करेगा यूट्यूब आपके चैनल को, तो वो ये देखेगा कि जब आपने अप्लाई किया उससे 365 दिन के अंदर ही आपका 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 घंटे आपने पूरे किए हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने जब चैनल शुरू किया था उससे 1 साल के अंदर ही आपका हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करते रहिए और बस ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो पूरे करने, वो 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसी टाइम अप्लाई करेंगे और आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है। चलिए, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको इसको लिख के पेन और पेपर के सहारे में लिख के आपको कुछ समझा देता हूँ, फिर आपको आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको कॉपी पे आपको लिख के रिटर्न में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो यूट्यूब में नया अपडेट डाला है उसके बारे में, इसमें आपको रिटेन करके लिख के मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सपोज दैट मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जो कि मैंने बनाया है 20/8/2018 को। तो जब मैंने चैनल बनाया उस टाइम में तो मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे और ना ही मेरा वॉच टाइम होगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं और 0 आवर्स वॉच टाइम है। फिर मेरे चैनल को 1 साल हो जाते हैं और मेरे चैनल यहाँ पे आ जाता है 20/8/2019, तब मेरे सब्सक्राइबर हो जाते हैं 400 सब्सक्राइबर और 1000 घंटे वॉच टाइम मेरा हो रहा है यहाँ पे। फिर दोस्तों, अगर मैं और काम करता हूँ, आगे चलता हूँ, तो मेरा यूट्यूब चैनल 20/8/2020, यानी कि स्टार्टिंग मेरी हुई थी 20/8/2018 से, फिर 1 साल चला, फिर 2 साल चला, यानी 2020 तक आते आते मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 4000 घंटे मेरा वॉच टाइम हो गया है। तो अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अब 2020 में मैं YouTube के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा और मेरा अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स बता दूँ, इस कंडीशन में YouTube के लिए मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्रूव नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, YouTube ने साफ कहा है कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए इन लास्ट 365 डेज, यानी लास्ट 365 दिन के अंदर। ये नहीं बोला है कि आप 1 साल के अंदर करिए, अगर आप 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया जाएगा या नहीं आप एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं कहा यूट्यूब ने। यूट्यूब ने कहा है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे लास्ट 365 डेज के अंदर का रिव्यू देखा जाएगा, और उसके लास्ट 365 डेज के अंदर अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे किए हैं तो आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप कि जैसे चैनल की शुरुआत 20/8/2018 में हुई, तो उस टाइम में 0 सब्सक्राइबर थे, 0 आवर वॉच टाइम था, फिर 1 साल बाद 4000 सब्सक्राइबर और 1000 घंटे वॉच टाइम हो गया, तो यहाँ पे भी एलिजिबल नहीं थे हम। अब 2020 में, यानी 20/8, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, 20/8/2020, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इस कंडीशन में तो हम एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन नहीं। YouTube का कहना है कि यहाँ से बैक जाइए, यानी यहाँ से लास्ट 365 डेज पीछे जाइए, तो आप यहाँ पे पाएंगे, जैसे यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर थे तो यहाँ पे 1000 माइनस 400, यानी पिछले सब्सक्राइबर हमारे 400 थे और अभी 1000 है, तो अभी यहाँ से पीछे जाने पे, 365 दिन पीछे जाने पे हमारे पास सब्सक्राइबर कितने बन के आ रहे हैं, 1000 में से 400 माइनस करेंगे तो 600 सब्सक्राइबर हमारे पास हैं, हमने गेन किया है 600 सब्सक्राइबर्स गेन। इसी तरीके से अगर वॉच टाइम काउंट करें तो
20 साल 2020 से पीछे अगर 365 दिन यानी लास्ट 365 डेज के भीतर देखते हैं तो 4000 घंटे वॉच टाइम था हमारा 2020 में, और हमारा 2019 में था 1000 घंटे वॉच टाइम। तो 4000 माइनस 1000 यानी कि 3000 आवर्स हमने गेन किया। तो टेक्निकली देखा जाए तो यूट्यूब ये मानेगा कि आपने जब अप्लाई किया है यानी 2020 में तो आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो उससे लास्ट 365 डेज के अंदर आपने सिर्फ 600 सब्सक्राइबर गेन किए हैं और 3000 आवर्स गेन किया वॉच टाइम। तो यूट्यूब के कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि 2020 में भी आपके पास नहीं हो रहा है। तो थ्योरी ये है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब इसी को अगर हम आगे ले चलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए यूट्यूब चैनल हमारा चल रहा है 20 साल 2020 में। हमने यहाँ देखा यूट्यूब चैनल 20 साल 2020 में हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर थे और 4000 घंटे वॉच टाइम थे। यहाँ भी वही है, 20 साल 2020 में हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हैं और 4000 वॉच टाइम हो गया था। एक साल आगे हम चलते हैं यूट्यूब चैनल को चलाते हुए 2021 में आते हैं, 20 साल 2021, यहाँ पे हमारे पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं 2000 और हमारा वॉच टाइम हो गया है 8000 घंटे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बैक जाएंगे, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2021 में, तो यहाँ से लास्ट 365 डेज के अंदर हमने कितना सब्सक्राइबर और कितना वॉच टाइम गेन किया है ये देखने की बात है।